कुछ कुछ अपडेट सबको दे देते हैं, क्योंकि सब लोगों के मन में बहुत बोलते हैं ना वो क्या हुलूल जुलूल मच रहा है, तो उसको क्लियर किया जाए। तो आप लोगों ने किसी को जब ट्रेंडिंग स्टार या फिर सुपरस्टार, स्टार सिंगर भाई इतना सब कुछ बनाया है, तो उनका जो मेहनत है वो क्राइटेरिया उनका बढ़ता जाता है। सोनू यादव जी भैया, स्ट्राइक वाला खेल अच्छा नहीं लग रहा है, जल्दी से कोई सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, उस पर भी आते हैं। सो भैया एकदम सबसे पहले तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन सबसे ज़रूरी है। ठीक है, टेंशन है, ठीक है, परेशान हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट ये और ये दोनों एकदम परफेक्ट है। दिल और दिमाग दोनों एकदम परफेक्ट है। दिमाग इसलिए कि गाने एक से एक बन रहे हैं, दिल इसलिए कि आज भी सबके लिए उतना ही ढेर सारा प्यार और मोहब्बत भरा है भैया के दिल में। सो ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली ओके। नाउ अब आते हैं कुछ अपडेट्स पे, फिर कुछ बात करते हैं। बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा और बड़ा लॉन्च एक लोकगीत का आप लोगों के बीच में आएगा 3 या 4 तारीख को। तो 3 या 4 तारीख को तैयार रहिए, बहुत ही अच्छा धमाल जैसे हम लोग करते थे, बहुत अच्छा एक गाना लेके आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। मन तो करा गुनगुना दें, लेकिन हम गुनगुनाएंगे तो मेरे जो बॉस हैं वो हम पे गुनगुनाने लगेंगे, सिर के पर ऐसे ढोलक बजने लगेगा। सो 3 या 4 तारीख को एक बहुत ही तगड़ा गाना सारे गामा से हम लोग रिलीज कर रहे हैं, और पता नहीं मैं जगह बता सकता हूँ या नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, हम लोग उसको कलकत्ता में लॉन्च करेंगे। सो आप लोगों ने देखा होगा, हमने बिहार में लॉन्च किया था सैड सॉन्ग अन्नपूर्णा फिल्म्स का, हमने वाराणसी में लॉन्च किया था सॉन्ग पानी पानी, फिर हमने वाराणसी में लॉन्च किया एक गाना जिसका नाम था रोमांटिक राजा ब्लू बीट का। अब हम चल रहे हैं थोड़ा आगे, अब पहुंच रहे हैं हम कलकत्ता, तो गाना भी हल्का बंगाली टच का है, इतना प्यारा सॉन्ग है और भैया ने इतने मजे से गाया, और उनका लुक देख के आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, आई गेस कि उनका वो एक लुक वायरल भी हुआ है। सो वो वाला गाना 3rd या 4th, दो में से एक दिन आप लोगों के बीच में लॉन्च होगा और गाना लाइव होगा यूट्यूब पे सारे गामा के, फर्स्ट अपडेट। उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट 8 से 10, एक से एक मतलब अभी और चूजी हो गए हैं, पहले चूज करते थे भैया, अभी और चूजी हो गए हैं कंपोजिशन पे, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं कि सबकी हालत टाइट होती है, वो खुद एक 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 से एक कभी कभी कंपोजिशन वो रिजेक्ट करके फिर से उसको ये करवाते हैं। सो बहुत सारे लोकगीत, 8 से 10 लोकगीत है जिसके हम लोग शूट के लिए प्लान कर रहे हैं। छठ के गाने हैं जो ऑलरेडी प्लान चल रहे हैं, क्योंकि भैया को वापस शूट करना है, शूट करने के बाद उनको लंदन भी जाना है, और संघर्ष 2 वन ऑफ द बिगेस्ट, ये ऐसा नहीं कि मैं मैनेजर के नाते या भाई के नाते बता रहा हूँ, मैं एक भोजपुरी इंडस्ट्री का एक छोटा सा इंसान ये चीज़ बोलता है देख के, और फिल्म इंडस्ट्री का एक पार्ट है, सबसे बड़े सुपरस्टार को मैनेज करता हूँ उसके नाते भी बता रहा हूँ, संघर्ष 2 आई स्वेयर कि मैं थिएटर में ही देखूँगा। तो रत्नाकर भैया वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स, आप इस पूरी कंपनी को, रत्नाकर भी, आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। और आपने वो गन वाली देखी है पोस्ट, वो गन वाली पोस्ट सिर्फ एक है, उसके अंदर बहुत सारा तामझाम है, बहुत फाइट सीक्वेंस है, थाईलैंड में शूट हुआ, भुज में शूट हुआ, यूपी में शूट हुआ, तो मेरे ख्याल से अभी तक पिछले 2.5 साल से जब से मैं देख रहा हूँ सबसे लंबा शेड्यूल संघर्ष 2 का था। तो मूवी जब भी थिएटर में लगे ये, और हम लोग प्रमोशन भी दिल से करेंगे उस मूवी का, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोग बाकी पिक्चर है हिंदी की या तमिल तेलुगु देखते हो, आप ऐसी पिक्चर बनी है भोजपुरी में भी, बड़ी मूवी बनी है जिसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आप जब मूवीज़ को सपोर्ट करोगे तो मूवी बहुत अच्छी बनेगी। आप भैया का लुक उसमें देख रहे हो, फाड़ है, मतलब जवान बुढ़ा मिड एज सब, बहुत बहुत बम फाड़ पिक्चर है, तो मुझे बहुत पसंद आई। तो संघर्ष 2 कम्प्लीट हो गया है, शेड्यूल रैप अप हो गया है, एंड अब पोस्ट प्रोडक्शन के लिए मूवी चली गई। तो अभी हम फिर 10-11 तारीख से नेक्स्ट मूवी पे आएंगे, उसके पहले गाने गाने और गाने ये बन रहे हैं और शूट होंगे, अच्छे अच्छे शूट होंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपने जैसे हरियाणा वाले हमारे गाने को आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया था, तो हम लोग एक हरियाणा का गाना फिर से लेके आ रहे हैं बम्फाड़, फुल डीजे
हरियाणा का सॉन्ग है और आई गेस कि सारी सर भैया गाएंगे भी या सिर्फ फीचर करेंगे, साथ में कौन फीचर करेगा इसके लिए भी आप लोगों को 5-6 तारीख का वेट करना पड़ेगा। तो ये सब हमारा 10 दिन एक तारीख से लेके 10 तारीख तक के बीच का प्लान है, नहीं 2 तारीख तक, क्योंकि 2 तारीख तक भैया एक मूवी की पैच वर्क कम्प्लीट करेंगे। सो आप लोग जो सोच रहे थे क्या होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम्स, जिनका वो काम है वो अपना काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से दिल से कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारा काम क्या है, हमारा काम है अच्छे गाने बनाना, अच्छा शूट करना, कल बड़ा किया था तो उससे बड़ा करना, तो हम वो काम कर रहे हैं। तो कोई अपना काम जब दिल से कर रहा है तो हम लोग का काम है कि हम भी अपना काम बहुत दिल से करें, तो हम भी अपना काम बहुत दिल से कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गाने नहीं आएंगे या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े गाने नहीं आएंगे। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स में ऊपर नीचे है, बट कोई बात नहीं, विल सी कि उसको भी कैसे करेंगे। आप लोग का सपोर्ट कंटिन्यूअस मिल रहा है और वो सबसे अच्छी चीज़ है। परिवार का सपोर्ट ऑफ कोर्स है, इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं एंड उनको भी दिल से बहुत बहुत थैंक यू है, क्योंकि क्या होता है इंडस्ट्री एक है और यहाँ पे अगर 10 20 50 एक्टर एक्ट्रेसेस टेक्नीशियंस डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ये हैं, तो उनमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी बाहर से आके हम लोगों को डिक्टेट या हम लोगों को अपना अपना सोच ये सब चीज़ें नहीं थोप सकता। और आर्टिस्ट मतलब हवा की तरह हैं, उनको बांध के नहीं रख सकते, वो खुले विचार के, और इतना बड़ा आर्टिस्ट तो ऑफकोर्स नहीं हो सकते, ये दिल के साफ हैं तो इनका फ़ायदा उठाया जाता है, बहुत लोग उठाते हैं, कभी कभी शायद छुट्टी लेने के लिए मैं भी उठा लेता हूँ। तो वो हैं ऐसे, वो जल्दी ना नहीं बोलते किसी को, हर चीज़ में हाँ बोल देते हैं, तो एक है उनके साथ प्रॉब्लम है। बट गाने आप लोग प्लीज़, डीजे ब्रावो के साथ कब आएगा भाई, अब ये थोड़ा सा हट जाए विकास भाई, कुछ चीज़ें जो चल रही हैं, बट उसके पहले आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे, अपने बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे। जैसे मैंने बताया कि सारे गमा को 3rd या 4th को हम वो गाना लॉन्च कर रहे हैं, बहुत बड़े स्केल पर लॉन्च कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, कलकत्ता में कर रहे हैं तो धमाल होगा। और जैसा मैंने बताया कलकत्ता करने के पीछे रीज़न है कि शायद गाने में बंगाली टच हो, इस वजह से हम कलकत्ता में कर रहे हैं, तो आपको वो देखने को मिलेगा। जितना भी सॉन्ग डिलीट हो जाए लेकिन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया ही रहेंगे, ऑफ कोर्स रहेंगे, फिर से कुछ बोलेंगे, फिर से टीज़र भी ट्रेंड करेगा, फिर से गाना भी ट्रेंड करेगा। बंद करने वाला एक दरवाज़ा बंद करता है तो खोलने वाला भगवान 100 दरवाज़ा खोलता है, तो ये चीज़ हैं और दरवाजे खुले जा रहे हैं। और हम एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पे हमारे गाने ब्लॉक हुए या किसी पे कॉपीराइट आया, कहीं पे स्ट्राइक आया, आप लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी कंपनीज़ हैं उन लोगों ने एक बार भी उफ़ नहीं बोला, इनफैक्ट उन्होंने बोला नेक्स्ट गाना कब दे रहे हो, मैं रिलीज़ करना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऐसे सपोर्ट के लिए, और ऐसी कंपनीज के साथ हम लोग हमेशा हमेशा खड़े रहेंगे और खड़े हैं। तो मुसीबतें आती हैं, मुसीबतें हम लोग को और स्ट्रांग बनाती हैं, तो 110% हम और स्ट्रांग बने। एज आई सेड, 1-2 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में सिर्फ और सिर्फ गाना है और कुछ नहीं है, सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग, सॉन्ग्स की शूटिंग, सॉन्ग्स का लॉन्च, सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग, सॉन्ग्स की शूटिंग एंड सॉन्ग्स के लॉन्च, यही होने वाला है। एंड सब के सब एक से बढ़ के एक लोकगीत हैं, कुछ हमारे लिमिटेड हैं लेकिन छठ के गाने हैं, तो सब पे काम चल रहा है। लोकगीत तो रेडी हो गए हैं, छठ पे हम लोग अभी बस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग एकदम मत सोचिए कि भैया का गाना नहीं आएगा, भैया का ये नहीं होगा, वो सब कुछ आएगा और बम्फाड़ आएगा, और मेरे ख्याल से पहले से अच्छा ही आएगा। कुछ गाने दुख इस बात का हुआ था कि नवरात्रि का पहला दिन था और उसी दिन हमारे कुछ गाने जो अच्छे चल रहे थे वही ब्लॉक हो गए, बट कोई नहीं, जो गाना आ गया ना मुझे पता है लोग उसको कॉपी करके यहाँ नहीं वहाँ नहीं वहाँ नहीं वहाँ वो सुनी लेते हैं, और वो सारे गाने कहीं ना कहीं वापस से रिलीज़ हुए हैं, तो प्लीज़ उनको आप लोग सुनिए। और आज जो चंदनपुरा फिल्म्स पे गाना रिलीज़ हुआ है, बहुत ही नई ब्रांड न्यू कंपनी है, बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो ऐसी नई कंपनी को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और मुझे पता है कि ये गाना फ़िलहाल तो चल रहा है और मुझे है उम्मीद कि ये चलता रहेगा, और ये चलता रहेगा तो आपको पता ही है कि आएगा दम मज़ा। फिर SRK पे हमारा एक गाना जो रिलीज